वैक्सीनेशन हो चुकी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं रवा हफ्ते सिर्फ 6 दिन में 9,34,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। पहली 1 करोड़ वैक्सीनेशन 113 दिन में लगाई गई। 1 करोड़ का दूसरा फेज 28 दिन और तीसरा सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल। कराची में जुजवी लॉकडाउन का दूसरा रोज सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी हटा दी। जगह जगह पुलिस के नाके, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग। वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का रश, तवील के दाने, कोई फुरसान हाल नहीं, शहरियों की दुहाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल दोबारा कोरोना में मुब्तला, खुद को क्वारंटीना कर लिया। सियासी सरगर्मियां ऑनलाइन अंजाम देंगे। कोरोना के फैलाव में इजाफा, PDM ने 13 अगस्त को कराची में होने वाला जलसा मुअक्कर कर दिया। पंजाब हुकूमत इंसदाद कोरोना के लिए हर इकदाम उठा रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है, हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों की मफाद। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ इमरान खान आज से पहले 3 बजे आवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे। टेलीफोन पर सवाल के जवाब। असद उमर और नासिर हुसैन शाह में ट्विटर जंग, लफ्ज़ इंपीरियल पर तनाजा। असद साहब, लफ्ज़ इंपीरियल नहीं बल्कि एम्पेरिकल है, पहले दुरुस्त लफ्ज़ समझो फिर ट्वीट करो। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल, कसूर आपका नहीं भाई मेरा है। असद उमर का तुर्की बतुर्की जवाब। हालिम आदर शेख ने सखर हैदराबाद मोटरवे की आवाम का मंसूबा करार दिया। अपोजिशन लीडर हसन असम्बली का कहना है 6 लेन पर मुश्तमिल मोटरवे 2023 में मुकम्मल होगी, कि एक बेहतरीन और अच्छा जरिया मवासलात। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद में परचम कुशाई की तकरीब। आज 1 अगस्त को यौम परचम के तौर पर मना रहे हैं। आज़ादी सिर्फ ऐलान नहीं, एहसास का नाम है। खालिद मकबूल सरीफी की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग ना थम सकी। शहर में दरानिया 6 से 8 घंटे रिहास में 20 से 22 घंटे तक पहुंच गया। भारी बिल जमा कराने के बावजूद बिजली नहीं आती, शहरियों की दुख। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मुबैना तौर पर गलत दवाई खाने से 2 साल बच्चा जागरूक। अहले खाना गम से निठाल। वाले पानी की तकसीम पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फारूक मोहम्मद मजारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। आज में ब्रेक फेल होने पर ट्रेलर चीनी से भरे कंटेनर समेत समुंदर में जा गिरा। करोड़ों रुपए की चीनी समुंदर पर। ड्राइवर को बर वक्त बचा लिया गया। कंटेनर में चीनी के 780 थैले लगे थे। मॉनसून की इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और मिट्टी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मनाजिर, खूबसूरत सब्जाजार इलाके में घर अंगूरी डैम। इस्लामाबाद का तफरीही मकाम, सयाहों की तवज्जो का मरकज। तफरीह के लिए आने वाले शदीद गर्मी में ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दरख्त और पहाड़ पर अल्लाह का वाज़े नाम। सदियों पुराने दरख्त और पहाड़ को देखने सयाह बलोचिस्तान के सयाहती मकाम ज़ियारत आते हैं, सेल्फियाँ और खूब तस्वीर उतारते हैं। मौसम खुशगवार हो या पारा 40 डिग्री से जायद। बाग़ जिना लाहौर के बाहर नान पकौड़े के ठेले पर लगा रहता है शहरियों का रश। 22 साल से कायम ठेले पर पकौड़ों का जायका और म्यार आज भी पहले दिन जैसा है।